तो एपिसोड 15 की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोली उस ब्लास्ट के बाद बेहोश हो गई थी और अब हॉस्पिटल में थी। थोड़ी देर बाद सोली को होश आता है और सबसे पहले चीज वो किम से पूछती है कि दिवचंद कैसा है, वो ठीक तो है ना। जिस पर किम बताता है कि इस समय उसकी सर्जरी चल रही है। इतने में वहाँ डॉक्टर भी आते हैं और सोली से कहता है कि तुम शॉक वेव की वजह से बेहोश हो गई थी, तुम अब बिल्कुल ठीक हो और घर जा सकती हो। ली भी उनके पास आता है और सोली से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। साथ ही उन्हें ये भी बताता है कि दिवचंद को काफी जगह फ्रैक्चर हुआ है और उसके ठीक होने के बाद हम उससे पूछताछ शुरू कर देंगे। जिसके बाद सोली भी अपने घर जाने लगती है और किम को कहती है, तुम्हें यहाँ पर दिवचंद के साथ रुकना चाहिए, मैं अकेले ही घर चले जाऊंगी। थोड़ी देर बाद किम ली को जाकर थैंक्स कहता है, लेकिन ली उसे बताता है कि ये सब सोली ने ही किया है, उसने ही जेचेन से मिलकर सब कुछ पता लगाया और सारे एविडेंस कलेक्ट किए थे। इधर ऑपरेशन के बाद दिवचंद को भी होश आ गया था, जहाँ किम उससे पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? इस पर वो बताता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। और हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। वो बताता है कि उस दिन जब मैं सॉकर मैच देख रहा था तो तुम वहाँ नहीं थे और ना ही मेरे कॉल का जवाब दे रहे थे, जिसके बाद मैं तुम्हें ढूंढने बीच पर चला गया। वहाँ मुझे इमजू दिखाई दी और मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ अकेले क्यों हो, जिस पर उसने कहा कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। दिवचंद फिर उसके हाथ में खून के निशान देखता है और कहता है, तुमने फिर से कोई सीन क्रिएट किया है, अब जब तुम्हारा ब्रेकअप हो ही गया है तो तुम उसकी लाइफ से दूर क्यों नहीं चली जाती। लेकिन हम जो उसे कहती है, ड्रामे तुम बंद करो क्योंकि मुझे पता है तुम किम के लिए कैसा फील करते हो। ये सुनकर दिवचंद काफी शॉक हो गया कि इसे ये बात कैसे पता, और उससे कहता है, तुम्हें ये बकवास बात किसने बताई, जिसे सुनकर वो वहां से जाने लगती है। दिवचंद उसे खींचकर जंगल में बात करने ले जाता है और पूछता है, क्या इस बारे में किम भी जानता है? इमजी उसे मना करती है और कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। इमजी का शक यकीन में तब बदल जाता है जब वो उसके पास से सेम रिंग देखती है जैसे उसके और किम के पास थी। दिवचंद उसे किम को कुछ भी बताने से मना करता है और उसकी लाइफ से जाने के लिए भी कहता है, जिस पर वो कहने लगी कि मैं उसकी लाइफ से क्यों जाऊं, और वैसे भी किम तुम्हें फ्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं मानता, मैं ये बात किम को बता दूंगी कि क्यों तुम उसके साथ रहते हो। ये सुनकर दिवचंद को गुस्सा आ जाता है, वो उसका गला पकड़कर उसे धक्का दे देता है। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद देखता है तो गलती से इमजी का सर पत्थर पर लग गया था और वहां उसकी मौत हो गई, जिस वजह से वो डर कर उसका फोन लेकर वहां से भाग गया और उसके फोन से ऐसा मैसेज किया कि जैसा कि ये एक सुसाइड केस लगे। थोड़ी देर बाद दिवचंद फिर उसी जगह जाता है ताकि वो उसकी बॉडी को दफना सके, लेकिन उसे खींचते वक्त उसको चोट लग जाती है और कुछ खून की बूंदे एमजी की ड्रेस पर गिर जाती है। वो फिर उसकी ड्रेस और रिंग को भी अपने पास ही रख लेता है, लेकिन उसकी सैंडल और फोन को पानी में फेंक देता है ताकि ये एक सुसाइड केस लगे। दिवचंद को काफी अफसोस हो रहा था क्योंकि उसने वो जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी रिंग उसके गले में नहीं है। वो फटाफट उसी जगह जाकर रिंग को ढूंढने लगता है। वो चेन तो ढूंढ लेता है पर काफी ढूंढने के बाद भी उसे वहां रिंग नहीं मिलती। दिवचंद उसके कपड़े वगैरह जलाने का सोचता है, लेकिन इस वजह से रुक जाता है कि कहीं अगर फ्यूचर में किम को जेल हुई तो मैं सभी को बता दूंगा कि कल्प्रिट मैं हूं। इधर प्रेजेंट में दिवचंद उसे कहता है, मैं खुद को सरेंडर करने वाला था, लेकिन अपने डाइवोर्स और कंपनी के कारण मैंने टेम्परली जेचिन को जेल जाने के लिए कहा ताकि मैं ये सब निपटा कर खुद सब कन्फेस कर सकूं। लास्ट में दिवचंद उससे सभी चीजों के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन किम ये कहकर चला जाता है कि सिर्फ सॉरी से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी इस गलती की वजह से काफी लोग हर्ट हुए हैं। जिसके बाद दिवचंद को अरेस्ट कर लिया जाता है और पूरे इंटरनेट पर यह बात फैल जाती है कि असली कल्प्रिट दिवचंद है। जेचेन भी ये न्यूज देख लेता है और उसे भी अपने भाई के लिए काफी बुरा लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम सोली और किम को देखते हैं जो कि एमजी के फ्यूनरल में जाते हैं।
वहां पर जैसे ही इवो उसे देखता है वो तो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था और रोते हुए उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उस पर शक किया था। किम उसे समझाता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, जिसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। किम उसे पूछता है तुम यहाँ क्यों आई अगर तुम्हें मेरे साथ अंदर नहीं आना था। सोली कहती है मैं आज सिर्फ इसलिए आई ताकि मैं उमजी से कहूँ कि वो जहाँ भी है अच्छे से रहे और तुम्हारे सपनों में ना आए। किम कहता है जब से मैं तुम्हारे पड़ोस में रहने लगा मुझे इमजे के सपने नहीं आ रहे। जिस पर सोले कहती है शायद इमजे ही तुम्हें हिंट दे रही थी कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए और शायद उसे पता था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो किम भी कहने लगता है हाँ ऐसे हो सकता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि सोले अपनी कैफे के बाहर बैठकर लोगों की बातें सुन रही थी, पर उसे काफी अजीब लगता है कि आजकल तो कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। शायद उस ब्लास्ट के कारण उसके झूठ सुनने की एबिलिटी अब जा चुकी थी। उसके बाद हम ओबेक को देखते हैं जो कि भागते हुए चोरों के पास आता है पर उसके दोस्त को देखकर वहां से भाग जाता है। ओबेक के जाते ही उसकी दोस्त कहने लगती है तुम ब्रेकअप के बाद भी उससे बातें क्यों कर रही हो, मैं होती तो कभी भी बात नहीं करती और उसके बारे में काफी बुरा बोलने लगती है। लेकिन ये सारी बातें ओबेक बाहर खड़ा होकर सुन लेता है और उसे काफी बुरा लगता है। इधर सोली अपने दोस्तों के साथ ली और उसकी टीम के लिए कॉफी पैक कर रही थी ताकि वो सभी चीजों के लिए उसे थैंक्स कह सके। वहां पर वो ली के लिए एक स्पेशल जूस का गिलास भी बेचती है जिसे देखकर किम काफी जेलस फील करने लगता है और फिर सोली से पूछता है तुम और ली कितने टाइम से क्लोज हो और अब तो तुम्हारा ब्रेकअप भी हो गया है तो तुम्हें अब से उसके पूरे नाम से बुलाना चाहिए। जिस पर सोली समझ जाती है कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है और कहती है क्या तुम्हें बुरा लगा मेरे डियर किम। ये सुनते ही वो काफी शॉक हो जाता है और शर्माने लगता है। सोली फिर कहती है तुम्हें भी मुझे डियर कहकर बुलाना चाहिए। अब किम भी उसे वही बुलाता है और शर्माने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जहां उसका प्रमोशन हो रहा था क्योंकि उसने पहले के काफी केस भी सॉल्व किए थे। इतने में उसका कलीग भी कॉफी लेकर आ जाता है और कहता है वहां की ओनर ने तुम्हारे लिए खास ड्रिंक भेजी है और जैसे ही ली उसे देखता है स्माइल करने लग जाता है। आगे हम देखते हैं एक क्लाइंट ने सोली को ये पता करने के लिए हायर किया था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे क्यों छोड़ा। सोली भी उसके साथ वहां कैफे में बैठी थी जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड से छोड़ने का रीजन पूछता है। उसके पूछने पर वो काफी सारी झूठी कहानी सुनाने लगती है और सोली उस आदमी को बताती है कि ये लड़की सब कुछ सच कह रही है। लेकिन तभी वो लड़की लास्ट में कहती है मैंने अभी तक जो भी कहा वो झूठ है और मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो। ये सुनकर सोली काफी शॉक होती है और सोली को भी रियलाइज होता है कि उसकी झूठ सुनने की पावर अब जा चुकी है, जिसके बाद वो तुरंत किम के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। किम कहता है कि डॉक्टर ने कहा था उस ब्लास्ट के कारण तुम्हारे ईयर ड्रम डैमेज हो गए लेकिन टाइम के साथ वो सही हो जाएंगे और शायद तुम्हारी पावर वापस भी आ जाए। सोली थोड़ा उदास होने लगती है तो किम कहता है तुम्हें इसे पॉजिटिव में लेना चाहिए, तुम्हारे पावर के ना होने के कारण अब तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकोगी क्योंकि अब तुम्हें लोगों के झूठ सुनकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, साथ ही तुम नए दोस्त भी बना पाओगी। सोली कहती है मुझे इन सब की आदत नहीं और हो सकता है मेरी पावर वापस आ जाए, इसलिए तुम पूरे दिन में मुझसे ये झूठ कहते रहना कि तुम काफी अगली हो। पहले तो किम ऐसा करने से मना कर देता है लेकिन सोली के फोर्स करने पर जैसे ही वो उसे अगली कहता है सोली उससे नाराज हो जाती है। किम उसे समझाता है मैं तो मजाक कर रहा था और उसे मनाने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सोली कैफे में उन दोनों को सभी वीआईपी केसेस को कैंसिल करने के लिए कहती है और रीजन पूछने पर वो बताती है कि मैं कोई शामन नहीं हूँ बल्कि मेरे पास लाइट डिटेक्ट करने की एबिलिटी थी लेकिन एक्सीडेंट के कारण अब वो जा चुकी है। कैसेंडर कहती है मुझे पहले से ही पता था कि तुम शामन नहीं हो क्योंकि तुम कोई भी रिचुअल नहीं करती लेकिन मैंने इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहा।
क्योंकि इस चीज को छुपाने के तुम्हारे अपने रीजन हो सकते हैं। सोली कहती है, अब से मैं ये काम छोड़ रही हूँ और अगले बार से मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगी, इसलिए तुम ये जॉब छोड़ सकते हो। लेकिन वो दोनों कहते हैं, हम कम सैलरी पर भी यहाँ काम कर सकते हैं और हम यहाँ VIP केसेस को ना लेकर सिर्फ कार्ड रीडिंग कर सकते हैं। जिसे सुनकर सोली खुश हो जाती है और इस चीज के लिए मान जाती है। उसके बाद हम सोली के फादर को देखते हैं जिसका इंटरव्यू होने वाला था, तो वो उन रिपोर्टर से कहते हैं, प्लीज मेरे फेस को ब्लर कर देना, मैं नहीं चाहता इस इंटरव्यू के कारण मेरी फैमिली को कोई दिक्कत आए, जिस पर वो लोग मान भी चाहते हैं। इसी बीच हम ईथन को देखते हैं जो कि अब एक डिलीवरी बॉय था और एक एंटरटेनमेंट कंपनी में फूड डिलीवर करने आया था। वहां पर वो कुछ लोगों के ऑडिशन को भी देखता है, जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि एक टाइम पे वो भी ये सब करता था। फिर हम सायन को देखते हैं जिसके पास एक दूसरी कंपनी का CEO आया था और उसे कह रहा था, मुझे काफी बुरा लगा तुम्हारी कंपनी के बारे में सुनकर, मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ काम कर लो। जिस पर सायुन थोड़ा सोचकर जवाब देने के लिए कहती है, साथ ही वो उससे पूछती है कि मैंने काफी टाइम किम के साथ काम किया है, तो अगर आपको कंपोजर की जरूरत हो तो इस बारे में मुझे जरूर बताना। जिस पर वो आदमी कहता है कि इससे अच्छा भला और क्या होगा, अगर तुम किम के साथ मेरी मीटिंग फेस करा सको तो ये तो और भी बढ़िया बात होगी। फिर हम किम को देखते हैं जो कि अपने नए गाने पर काम कर रहा था, साथ ही वो वही फेस्टिवल वाली वीडियो भी देखता है और उसके बाद यंग जे को कॉल करता है और उससे उसका हालचाल पूछता है क्योंकि वो अब इस एरिया से चले गए थे। वो फिर कहता है, मुझे तुम्हारे भाई से मिलना था, वो आजकल कहाँ है। सीन शिफ्ट होता है और हम सोली की मॉम को देखते हैं जहाँ पर वो उस आदमी के साथ शादी का प्लान बना रहे थे, वो उन्हें कुछ हनीमून की जगह भी दिखा रहा था। सोली की मॉम तो उन्हें देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो आदमी काफी अमीर था। तभी होटल सर्च करते टाइम उन्हें वहाँ अपने एक्स हस्बैंड की वीडियो दिख जाती है। वो लैपटॉप छीनकर उस वीडियो को देखने लगती है और काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो वहां पर अपने लव लाइफ के बारे में भी बता रहे थे। फिर हम चोरों को देखते हैं जो कि सोली से मिलने आती है और उसे बताती है कि ओ बेक मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, हमारा ब्रेकअप इस वजह से हुआ क्योंकि वो एक गंदे बार में काम करता था। उसने मुझे कहा उसने वहां से काम छोड़ दिया, पर मैं उस पर भरोसा नहीं कर पा रही, क्या तुम मेरी मदद करोगी, जैसे कि पिछली बार तुमने मुझे बताया था कि वो लड़का अच्छा नहीं है। सोली कहती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी इस बार मदद नहीं कर पाऊंगी। वो उसे बताना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही चोरक रोते हुए वहां से चली जाती है। उसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि अभी भी अपने गाने पर काम कर रहा था। तभी उसे सायन की कॉल आती है और वो उसे सोली की कैफे मिलने बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि जब सायन टेनेट कैफे पहुंचती है तो सोली उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है, लेकिन चीहुन का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सायन बताती है कि मैं यहाँ किम से कुछ बात करने आई हूँ और अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतने में वहाँ किम भी पहुंच गया था और उन दोनों को एक साथ देखकर सोली को तो जलन महसूस होने लगती है। सायन उसे बताती है कि मैं एक एजेंसी के CEO से मिली, वो मुझे हायर करना चाहते हैं और मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में भी बताया, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे। जिस पर किम मना करता है और बताता है कि मेरे पास एक प्लान है और कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। सायन फिर मजाक में कहती है, क्या इसका मतलब हम अब राइवल हैं, तो किम भी हंसने लगता है। सायन जब जाने लगती है तो उसे लोगों से काफी अजीब लग रहा था। तभी चीउन उसके लिए अम्ब्रेला लाता है और कहता है, मैं तुम्हें कार तक छोड़ देता हूँ। सायन ये देखकर थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है और पूछती है, अच्छा तुम कौन हो। चीउन कहने लगता है, मैं सायन का बॉडीगार्ड हूँ। जिसे सुनकर वो हंसने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारा असली नाम पूछ रही थी। वो कहती है, क्या तुम सच में मेरा बॉडीगार्ड बनना चाहोगे, पर तुम्हें यहाँ से जॉब छोड़नी होगी। ये सुनकर चीउन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वही किम कैसेंडर के पास जाता है और अपने लिए कार्ड रीड करने के लिए कहता है। कैसेंडर उसे साइड वाले कार्ड को उठाने का इशारा करती है। वो फिर कार्ड उठाकर बताती है कि
आज तुम्हें डेट पर जाना चाहिए, इससे तुम्हारा प्यार और बढ़ेगा। जिसे सुनते ही किम सोलो को लेकर वहां से चले जाता है और उसे एक प्ले दिखाने ले जाता है। वो दोनों वहां पर काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन जब वो डिनर करने जाने वाले थे तभी किम रास्ते में कहता है, मुझे माफ करना, हम डिनर करने किसी और दिन चलेंगे, मुझे घर में एक जरूरी काम याद आ गया। ये सुनकर तो सोली उदासी हो जाती है। घर पहुंचते ही किम तुरंत अपने रूम में चले जाता है और एक वीडियो देखकर खाना बनाने लगता है। असल में वो सोली को सरप्राइज देना चाहता था। वही सोली इस बात से अनजान किम पर गुस्सा कर रही थी कि ऐसी कौन सी डेट होती है जो बिना डिनर के ही खत्म हो जाती है। वो भूख के कारण काफी परेशान थी कि तभी उसे किम का मैसेज आता है। जैसे ही सोली उसके रूम में जाती है वो काफी चौंक जाती है कि किम ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। वो वहां पर खाना भी खाते हैं और डिनर के बाद मूवी भी देखने लगते हैं। सोली को एहसास होता है कि उसकी पावर खोना इतनी बुरी बात भी नहीं है और लास्ट में वो किम को किस भी कर देती है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।